आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप बोल रहे हो यार, दोनों ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो पार्ट्स तो आप वेजिटेटिव ही यूज करोगे, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। Is it clear? तो artificial vegetative propagation का क्या मतलब है? आप artificial चीजों को यूज कर रहे हो जल्दी 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 ग्रोथ कराने के लिए। देखो, आपने रूट को डिटैच किया है और सॉइल में डिग कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाएगा, पर वो बहुत टाइम लेगा, नेचर टाइम ले रही है। आप चाहते हो नहीं नहीं इतना टाइम नहीं दे सकता मैं, मैं 6-8 महीने का टाइम नहीं दे सकता, मेरे को तो फटाफट प्लांट चाहिए, मुझे तो क्या है फटाफट प्लांट्स चाहिए। तो आप बोल रहे होगे कि यार कुछ या तो इंड्यूस कराओ, जल्दी जल्दी कराने के लिए किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, क्या जल्दी जल्दी ग्रोथ करानी, जल्दी जल्दी प्लांट्स चाहिए। आप चाहते हो कि अगर कोई प्लांट साल में एक बार आता है तो मैं उसको हर 3 महीने में ग्रो कराऊं, उसके लिए आपको आर्टिफिशियल यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको मैन मेड एक्टिविटीज लगानी पड़ेंगी, ठीक है। कौन सी? मैन मेड एक्टिविटीज। अब देखो ये भी 3 तरीके का होगा, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, लिखो कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इज इट क्लियर? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब आप खुद बताओ कटिंग का क्या मतलब है। आप बोलोगे मैम जो हमने नेचुरल वाला पार्ट पढ़ा उसमें भी आपने यही कहा कि आप रूट को डिटैच करो, स्टेम को डिटैच करो, लीफ को डिटैच करो, तो कटिंग में तो नाम साफ समझ में आ रहा है कि कट कर दो, सेम नेचुरल की तरह कट करो, पर फर्क क्या है बताती हूँ। लेयरिंग में क्या है, कोई भी स्टेम की ब्रांच है, फ्लेक्सिबल है, उसको ये खींच के उसकी लेयर बना दो। और ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट प्लांट के दो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ दो और एक न्यू वैरायटी वाला न्यू कॉम्पोजिट प्लांट बना दो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं।